ओके व्यूवर्स, तो ये है अकरम नर्सरी का पार्ट टू, और पार्ट वन में मैंने आपको दिखाया कि इनके पास कौन कौन से प्लांट्स जो कि पंजाब से आए हैं वो मैंने दिखाए। तो इस बाकी वीडियो में मैं आपको इनकी नर्सरी के जो स्टॉक है, जो सर्दियों के प्लांट्स हैं, उनको मैं दिखाऊंगा। तो यहाँ पर पिटूनिया के प्लांट्स रखे हुए हैं, माशाल्लाह पिटूनिया इनके पास बड़े अच्छे अच्छे कलर्स के रखे हुए हैं, और इनके भी मैं आपके साथ रेट्स शेयर कर दूँगा क्या है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से कलर्स मौजूद हैं। देखें ये सारे, मैं कैमरा यहाँ से गुजार देता हूँ ताकि आप देख सकें, क्योंकि अभी मुझे बहुत सारे प्लांट्स दिखाने हैं आप लोगों को, और सिर्फ मैं आइडिया देने के लिए। जो बड़े खूबसूरत, ये देखिए कितना ज़बरदस्त कलर लग रहा है, यानी कि स्टार, आई गेस स्टार वैरायटी कहलाती है ये पिटूनिया की। तो ये हैं, और एक ये पैटर्न है, ये देखिए अलग पैटर्न है, ये अलग पैटर्न है। पिटूनिया में बहुत सारी वैरायटीज आती हैं, और दिखाता हूँ आपको, ठीक है, और दिखाता हूँ जहाँ पे इन्होंने डेकोरेट करके रखे हैं, और फिर उसके बाद एक चीज़ और दिखाऊंगा। फिर चलें आगे जाते जाते ये देख रहे थे कि इनके पास ये ओजरी की खाद भी रखी हुई है, और ये प्योर ओजरी की खाद है, इसमें गोबर मिक्स नहीं होता। अमूमन इनके कहना था कि नर्सरी वाले जो है वो मिक्स कर देते हैं, लेकिन जो प्योर ओजरी की खाद है, और जो कि आपके प्लांट्स के लिए, ख़ासतौर से जो सीज़न के प्लांट्स होते हैं उनके लिए बहुत बेस्ट रहती है। तो ये है, और ये पिटूनिया के प्लांट्स उन्होंने ऐसे डेकोरेट करके रखे हैं, ज़बरदस्त लुक आ रहा है। आई गेस के 4 इंचेस का प्लास्टिक का कंटेनर है, उसमें ये लगे हुए हैं, और इनके रेट्स भी मैं बता देता हूँ। वैसे ये नर्सरी पर 70 रुपीज़ का सेल कर रहे हैं। जो मेरी वीडियो देखकर यहाँ पर आएगा, जो इसका रेफरेंस देगा, उसके लिए 60 रुपीज़ का ये एक पॉट पड़ेगा। तो वीडियो का रेफरेंस ज़रूर दीजिएगा। तो ये पिटूनिया का इनके पास स्टॉक है, बाकी डिफरेंट बहुत सारे कलर्स हैं, जो आपका अच्छा लगे वो आप ले लीजिएगा। तो ये है, और इसके अलावा फिर नेक्स्ट आगे दिखाता हूँ आपको कि इनके पास इंडियन डेलिया, जिसको डिनर प्लेट वैरायटी भी कहा जाता है, वो इनके पास मौजूद है। डेलिया के प्लांट्स ये देखें मेरे सामने रखे हुए हैं, इसमें बड़े साइज़ का फूल खिलता है, और ये कटिंग से तैयार किया था, ये वो वाला नहीं है कि जो सीड से ग्रो करते हैं उसमें छोटे छोटे फ्लावर्स निकलते हैं, ये वो वाली वैरायटी नहीं है। तो ये भी इनके पास मौजूद है, और ये 350 का इस वक्त सेल कर रहे हैं तकरीबन। और मैं प्लांट्स दिखा देता हूँ, सब में कलियाँ खिल रही हैं, और इंशाल्लाह जल्द इन सब में बहुत ज़बरदस्त फूल आएगा, और इसके अंदर भी खिल रहा, और ये बहुत अच्छा कलर है, येलो टाइप येलो कलर है, और उसके बीच में स्ट्राइप्स यानी कि हल्के हल्के निशान होंगे। तो ये बड़ा अच्छा कलर, एक डिज़ाइन इसका बनता है। तो मैं देखता हूँ, मैं हो सकता है कि मैं इन्हीं से 2-3 प्लांट्स में ले लूँ इनके बल्ब स्टोर करने के लिए, क्योंकि डेलिया बड़ी मुश्किल से अवेलेबल होते हैं यहाँ पर, फिर बहुत महंगा मिलता है। तो मैं हो सकता है कि बल्ब स्टोर करने के लिए एक दो प्लांट्स अच्छे कलर वाले इनसे ले लूँ अपने लिए। तो ये हैं, बाकी इसके अलावा ये सारे फिर स्टॉक डेलिया का रखा हुआ है, तो ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं, जो लोग नॉर्थ आसमाबाद के करीब हैं, और रेट भी माशाल्लाह मुनासिब है। दोबारा से ये कहूँगा कि वीडियो का रेफरेंस ज़रूर दीजिएगा, ताकि ये आपको इस वीडियो की वजह से आपका और अच्छा ख्याल करें। अकरम भाई यहाँ पर होते हैं, वैसे ही बहुत अच्छे, मेरी अभी इनसे बात हुई है, तो बहुत अच्छे बंदे हैं, इनसे आप मिलिएगा। तो इन सब में कलियाँ खिल रही हैं, और ये देखें, इसको अमूमन रेड कलर या कलेजी वाला कलर भी कहा जाता है, ये खिल रहा है, और ये वही वाला है जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया, ये एक कलर है। तो माशाल्लाह और सब हेल्दी हैं, स्टेम देखें, थिक स्टेम, कोई बीमारी नहीं है इस वक्त प्लांट्स में, और बेस्ट है, बहुत अच्छे रेट है। मैं दूसरी नर्सरी से, कराची यूनिवर्सिटी की तरफ जो नर्सरीज बनी होती है, उनके पास मैं गया था, तो वो मुझे 700 रुपये का बताए थे, जिसमें फूल निकला था। तो बहुत एक बहुत ज़्यादा महंगा बना देते हैं ये लोग, इतना महंगा प्लांट नहीं है, तो इसलिए मैं इसकी वीडियो स्पेशली बना रहा हूँ, आप लोगों को मोटिवेट कर रहा हूँ कि ज़रूर आएगा, इसका शौक़ ज़रूर पूरा कीजिएगा, क्योंकि ये विंटर्स का बड़ा ज़बरदस्त एक प्लांट होता है। गुलाब के बाद गुलाब तो वैसे ही बादशाह कहलाता है फूलों का। आगे चलते हैं, गुलदाउदी के बहुत सारे स्टॉक है, शुरू में मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, और कुछ गुलदाउदी के प्लांट्स इनके पास थैलियों में भी मौजूद हैं।
ऑनलाइन डिलीवर नहीं करते, आपको आना पड़ेगा या बाइके के थ्रू भी आप मंगवा सकते हैं। बाइके के राइडर को यहाँ भेजें, वो आपके घर पे पहुँचा देगा। एक तरीका ये भी होता है, लेकिन अमूमन सजेस्ट ये किया जाएगा कि प्लांट्स आप ख़ुद ख़रीदने के लिए आएँ। तो इनके पास ये थैलियों में भी मौजूद हैं, अलग अलग कलर्स हैं, आप छांट लीजिएगा। मैं आपको फिर भी दिखा दूँ, देखें ये कैसे खूबसूरत लग रहे हैं। इस तरीके के छोटे छोटे बहुत सारे फ्लावर्स खिलते हैं। फिर एक ये वैरायटी है, और ज़्यादातर मुझे इसमें यही वैरायटी नज़र आ रही है। तो इसमें आपको छांटना होगा, जो आपको वैरायटी अच्छी लगे वो आप ख़रीद सकते हैं। फिर कुछ इनके पास मिंट रखा हुआ है, और सैलड्स लेटस रखी हुई हैं, सब्जियों की भी इनके पास वेजिटेबल्स इन्होंने मुझे बताई थी, सॉरी वेजिटेबल्स इनके पास मौजूद हैं, तो मैं तो उसको भी एक्सप्लोर करता हूँ। 100 रुपये का एक पॉट है, और एक पॉट के अंदर 2 या 3 पनीरियाँ लगी हुई हैं, तो ज़बरदस्त हो गया ये। एक ये चीज़ मौजूद है, और सब्ज़ियाँ कौन सी मौजूद है मैं अभी देखता हूँ, और फिर साथ साथ आपको एक्सप्लोर भी करवाता हूँ। और स्टिल अभी भी एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बाकी है, जो कि मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे लोगों ने मुझसे रब्ता किया था, मुझसे पूछा करते प्लांट्स कहाँ मिलेंगे, तो अभी बाकी है। और ये क्या चीज़ है, हिबिस्कस है, हिबिस्कस का ये एक सीड आई गेस तैयार हो रहा है। ओके, तो सब्जियां और कहाँ है, ठीक है, आई गेस के इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। अब जो चीज़ मुझे आपको दिखानी, क्योंकि बाकी चीज़ें कॉमन है, ठीक है, रात की रानी रखे हुए हैं, मैरीगोल्ड्स के प्लांट्स रखे हुए हैं बहुत सारे, ये मैं अक्सर बहुत सारे वीडियोस में बता रहा होता हूँ, तो जब आप लोग आएँ तो एक्सप्लोर कर लीजिएगा। और बेजिल बस एक नज़र जाते थे, मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर इसके बाद मैं आपको अब दूसरी वीडियो में कंटिन्यू करता हूँ। ये बेजिल की वैरायटी ज़बरदस्त, देखें कैसे गुच्छे भर के इसके फ्लावर्स निकल रहे हैं, और खुशबू इसकी बहुत तेज़, ज़बरदस्त खुशबू, बहुत तेज़ स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस। तो ये है, तो इस वीडियो को अब यहीं पे एंड करते हैं। अब मैं इसके दूसरे पार्ट में कंटिन्यू करता हूँ, और 2 पार्ट्स इसके मैं और बनाऊँगा, फिर इस वीडियो को एंड कर देंगे। इसके अलावा मुझे कोई और अच्छी चीज़ नज़र आएगी तो उसमें फिर देख लेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में।